क्या आपके बैंक खाते में अनएक्सप्लेन कैश है? तैयार हो जाइए 83% इनकम टैक्स पे करने के लिए। आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जैन फैक्टोज में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आपने प्रीवियस ईयर में अपने बैंक खाते में बिग अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट क्रेडिट किया है और आईटी डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेता है, आपको भारी टैक्स देना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। यदि आपके पास कोई मनी, गोल्ड, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल पाया जाता है जिसका रिकॉर्ड आपकी बुक्स में नहीं है, या आप उसके संबंध में एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थ रहते हैं, या आपके जवाब से एसएससी ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब ऐसी मनी, गोल्ड, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा तथा इस पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% पेनल्टी लगेगी। टोटल 83% टैक्स लगेगा। यदि कैश क्रेडिट को इनकम में पहले ही शामिल कर लिया गया है, तब 6% पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि टैक्सपेयर ऐसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जबकि उन्होंने बुक में तो लिया है, या आपके जवाब से एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब भी आप पर हैवी टैक्स लगेगा। इसलिए यदि आपके बैंक अकाउंट में कोई अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट है तो उसे आप अपने बुक में दर्ज कर लें और उसका एक्सप्लेनेशन रेडी रखें, उसका जवाब सही तरीके से बना के रखें, जिसे एसेसिंग ऑफिसर के मांगने पर आप तुरंत दे पाएँ, जिससे आप इस 83% की पेनल्टी से बच सकते हैं। तो ध्यान रखें। जय हिंद।